गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस की बात नहीं सोची। उन्होंने कहा, संविधान की आत्मा 26 नवंबर को मानी जाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान को आज नमन करने का दिन है। इस दौरान मुंबई हमले में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए कहा, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी का वादा नहीं निभाया और ये किसानों का आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की दुहाई देने वालों ने कभी संविधान दिवस के प्रति अपनी रुचि ही नहीं दिखाई। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया संविधान दिवस। संविधान समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। कांग्रेसी कभी नहीं चाहते थे कि नेहरू गांधी खानदान के ऊपर किसी का नाम हो, इसीलिए तो कभी संविधान दिवस का सोचा ही नहीं। हमारा संविधान हमारे लिए गीता जैसा ग्रंथ है। गणतंत्र दिवस की आत्मा संविधान दिवस में ही बसती है। संविधान का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उपचुनाव के बाद हो रही कैबिनेट की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद बहुमत में है तो जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा, कैबिनेट की बैठक में जनहित के फैसले लिए जाएंगे। नरोत्तम ने किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। किसान समझ चुका है, कांग्रेस किसानों को, नौजवानों को धोखा देती है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस जैसी बात सोची ही नहीं, क्योंकि संविधान समिति के अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और वो चाहते ही नहीं थे कि उनके खानदान से ऊपर किसी का नाम हो, इसलिए कभी संविधान दिवस का सोचा ही नहीं गया। 26 जनवरी की आत्मा आज 26 नवंबर में ही बसती है। जो हमारा 26 जनवरी है उसकी आत्मा है ये। जो संविधान की दुहाई देते हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे महान लोकतंत्र की आत्मा इस संविधान में बसती है और इसके शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। आज का दिन एक नमन करने का दिन है, हमारे संविधान को तुष्टिकरण का ग्रंथ बनाने की जिनने कोशिश की उनसे प्रार्थना भी है कि वास्तव में संविधान का सब पालन करें। और संविधान के साथ साथ आम जन से भी निवेदन है कि जिस तरह से संविधान का ग्रंथ हमारे लिए गीता की तरह है, उसी तरह से लोगों को अपने कर्तव्य का भी बोध है। आज कोरोना काल है और हमारे अपने अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान और बोध होता रहना चाहिए, जिससे संविधान को और मजबूती मिलेगी। शहीद हुए 26/11 में उन सबको नमन, उनका वंदन और उनसे प्रेरणा कि उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई लड़ रहा है। फिजिकल लड़ाई देश के अंदर और बौद्धिक लड़ाई विश्व के अंदर, पूरा देश साथ हो। और ऐसी आसुरी शक्तियां जो आतंकवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन करती हैं, एक लड़ाई उनके अंदर भी है, एक लड़ाई बाहर से, एक लड़ाई अंदर से। और 26/11 की बरसी पर इन दोनों का स्मरण करते हुए हम उन शहीदों को नमन करते। ये ध्यान भटकाने की किसानों की कोशिश है। किसानों का वोट कर्जा माफी के नाम पर वहां भी ले लिया मध्य प्रदेश की तरह, और कर्जा माफ नहीं किया। अब ये ध्यान भटकाने की एक कुत्सित प्रयास है। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस आंदोलन है। और इसलिए किसान समझ चुका है पंजाब का, और देश का भी किसान समझ चुका है कि कांग्रेस किसान को, नौजवान को, सबको धोखा देती है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए
आई एम ए कोरोना सोल्जर .com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।